दोस्तों, आज GST काउंसिल की मीटिंग है। अभी मीटिंग जो है वो कंटिन्यू है। GST काउंसिल की मीटिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो चलिए, अभी उस मीटिंग के जो भी आउटकम्स होंगे वो तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही। अभी हम बात कर रहे हैं ITR फाइलिंग को लेके, लेटेस्ट जो इनकम टैक्स इंडिया का ट्वीट है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 2 करोड़ ITR फाइल हो चुकी हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की टिल 11th of July। तो डेटा जो इन्होंने शेयर किया है उसमें 2 करोड़ ITRs ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं पोर्टल पर, एज़ कम्पेयर टू 2 करोड़ ITR जो है लास्ट ईयर 20 जुलाई तक फाइल हुई थी। तो यानी कि उनका कहना है कि टैक्स पेयर हैज़ रीच अस 2 करोड़ माइलस्टोन 9 days अर्ली दिस ईयर, यानी कि जो पिछले साल से कंपैरिजन इन्होंने किया है कि लास्ट ईयर जो ITR फाइलिंग है 2 करोड़ की वो 20th जुलाई तक हुई थी, बट इस बार 11th of July तक हो गई है। तो 9 days अर्ली जो है उन्होंने 2 करोड़ की ये जो फिगर है क्रॉस कर ली है। ठीक है, एंड वी अप्रिशिएट द एफर्ट दोज हु हैज़ नॉट फाइल्ड ITRs फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 टू फाइल देयर ITR एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो ITR फाइलिंग जो है वो इतनी तेज़ी से हो रही है, डेटा शेयर किया जा रहा है, और जिसकी जिसको देख करके जो है इन फिगर्स को ये लगता है कि ITR फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड होना इस बार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ITR फाइलिंग जो है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी जो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31st जुलाई है। पैन एंड आधार लिंकिंग ना होने की वजह से जिनकी ITR डिले होगी उसको लेकर के जो है ये रिक्वेस्ट थी कि ITR फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड करनी चाहिए, लेकिन पोर्टल पर जो डेटा है उसको देख के लग रहा है कि इस बार ITR फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड होना मुश्किल है। तो चलिए, इस अपडेट को देख करके लग रहा है कि सभी अपनी जो ITR फाइलिंग है वो स्मूथली कर पा रहे हैं। तो आप भी अपनी ITR की फाइलिंग कर लीजिएगा 31st जुलाई तक। आई थिंक सो कि शायद ही ये डेट एक्सटेंड हो।